हे गाइस, देखो एक स्टॉक है IREDA। अब जो है काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है वो सारे स्टॉक्स में, देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा स्टॉक है, 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है सर, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ हम बोल सकते हैं। आज नहीं है 50,000 करोड़, तो कल के डेट में तो 50,000 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट डे, कल की बात कर रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट टुमारो की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। ऐसा है क्योंकि डेली जो स्टॉक है सर, 5-5% के सर्किट से भागता हुआ नज़र आ रहा है डेली। पिछले 5 दिनों से अगर आप देखते हो तो सर देख लीजिए, 1, 2, 3 3 डेज से, और यहाँ पर भी देखिए अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा था। तो एक दिन ही सर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया खरीदने के लिए, नहीं तो सर ये जो स्टॉक है एकदम सीधा अपर सर्किट ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस कदर रिटर्न निकाल के दिया है इसने, है कि नहीं है? 50%, 42% तक का पिछले 5 दिनों में इसने रिटर्न निकाल के दिखाया है, और पिछले 1 महीने की बात करते हैं सर तो 70% तक का रिटर्न निकाल के दिखाया है। और जब से स्टॉक आया है तब से तो समझो 200%, 184%, और मतलब कुछ दिनों में और ये मतलब भागता हुआ नज़र आएगा। इतना स्टॉक भागने के बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो सर कंपनी का जो पी रेशियो है वो 35 के लेवल में ही बताया जा रहा, अभी भी महंगा नहीं है। तो कुछ कुछ लोगों ने तो सर सारा पैसा लगा दिया है, मतलब काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुछ कुछ लोगों ने नहीं किया, वो वेटिंग लिस्ट में थे, इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सर अब वो ख़रीदना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें भाई? कुछ तो उपाय लगाना होगा, कुछ तो ऐसा मतलब पॉसिबल वे निकालना होगा सर, ताकि सबको बेनिफिट हो पाए। तो बहुत बड़े बड़े जो ब्रोकर होते हैं ना सर, वो लोग अच्छे खासे टारगेट दे रहे हैं कंपनी का। तो मुझे लगता है कि लगभग ठीक फरवरी में, 1 फरवरी को जब इंटरियम बजट आएगा, तो सर मुझे लगता है कि उसी हफ्ते में, मतलब 2-3 दिन में, 2 या 3 फरवरी को मुझे लगता है कि मतलब एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, या कुछ दिन में मुझे लगता है कि इस तरीके से सर्किट टूटेगा। क्योंकि सर इतनी बड़ी कंपनी है, डेली सर्किट 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 नहीं, लेकिन 9:15 पे आपको तैयार रहना होगा। मैं आपको ख़रीदने नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अब खरीदो ही खरीदो, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्किट है तो क्या है, आपको लगा देना है। जैसे स्टॉक थोड़ा भी घिसकेगा सेलर हावी हो जाएंगे, सेलर हावी हो जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि सर 50,000 करोड़ की कंपनी है, जैसे स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, थोड़ी, सेलर जो है ना हावी हो जाएंगे सर, सारे सेलर्स जो है सर एकदम धड़ 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 बेचना स्टार्ट कर देंगे। और इसके वजह से होगा क्या कि सर स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा जो है सेलिंग प्रेशर आएगा, और स्टॉक्स फिर गिरना स्टार्ट कर देगा। और जितने भी ब्रोकर हैं सर, जितने भी मतलब देखते हैं, प्रभु दास जी ने बोल रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मेंटेन करके रखे हैं सर, मतलब इन सभी लोगों को लगता है कि स्टॉक जो भी है मतलब जो है अच्छा ही है और भागता ही रहेगा। और उसके साथ साथ जो राम मंदिर से इनको बेनिफिट देखने को मिला सर, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, जस्ट आफ्टर राम मंदिर पीएम मोदी अनाउंस्ड सूर्य उदय योजना विच इज़ रिलेटेड टू सोलर सर। तो ये सोलर से रिलेटेड है, जहाँ पर बताया गया इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ हाउस होल्ड, दिस विल डेफिनेटली हेल्प IREDA, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी खबर आती है सर सोलर से रिलेटेड, तो पर्टिकुलर कंपनियों को तो बेनिफिट होगा, लेकिन सर इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है IREDA के देखने को मिलेगा। तो राम मंदिर की वजह से इनको ज़्यादातर बेनिफिट देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है, यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है स्टॉक कैन टच 240 लेवल इन कमिंग मंथ, कुछ लोगों का मानना है, एक्सपेक्टेशन। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो थोड़ी बहुत अपने हिसाब से, 139 का स्टॉप लॉस, 240 का लेवल आप टारगेट रख सकते हो। ये कुछ एक्सपर्ट का मानना है, ठीक है, एक्सपर्ट का मानना है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि सर ये जो स्टॉक है ना, मतलब दोनों तरफ से स्ट्रांग है, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी सर, ये दोनों तरफ से क्या है मतलब अच्छा है। और इसके Q3 के रिजल्ट मैं आपको बोलूँगा सर, केवल Q3 ही नहीं, Q4 फिर से जो आएंगे, 1, 2, 3, 4 सब पे नज़र रखना है, क्योंकि सर ये कंपनी तो अभी अभी आई है, और इस कंपनी के कम से कम तो 1-2 साल के क्वार्टर को देखना है किस तरीके से क्या रहेगा, ठीक है। और इनको जो कुछ कुछ सपोर्ट ट्रेंड वगैरह देखने को मिल जाएगा, और बोला जा रहा है कि इनके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आए हैं। रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर बोला जा रहा है नेट NPA जो है वो भी मतलब थोड़ा बहुत गिरा है, Q2 अगेंस्ट 2.72% देखने को मिला, तो ये एक अच्छी खबर होती है सर। तो मैं यही बोलूँगा कि 2-4 दिन में पक्का जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लोअर सर्किट नहीं बोलूँगा मैं आपको, लोअर सर्किट, और अगर मान नहीं सर्किट टूटेगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोअर सर्किट, सर्किट टूटेगा सर, थोड़ा बहुत सर्किट टूटता हुआ नज़र आता है। जैसे जैसे देखिए शक्ति पंप
जो है आज 20% भागता हुआ नजर आया, ठीक है। लोग बोलेंगे सर सर्किट में, अगर किसी ने एग्जैक्ट 9:15 में किसी ने ऑर्डर लगाया होता तो ये देखिए सर्किट टूट गया था यहाँ पर 9:45 में, 9:45 को सर्किट टूट गया था, आप खुद ही देख लीजिए। स्टॉक 1238 रुपीज़ में मिल रहा था सर, ठीक है, 38 रुपीज़, और अभी कितने में है, 1271। तो ये है सर, किसी ने अगर मान लेते हैं कि 9:15 को ये ऑर्डर मिला होता तो ये इनको हाफ एन आवर में मिल जाता, एग्जैक्ट 9:15 को। कुछ लोग क्या करते हैं कि शाम को ही सर मार्केट बंद होने के बाद शाम को लगा देते हैं बीओ ऑर्डर, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। मैं आपको बोलूँगा ठीक है ठीक है, लेकिन उस पर ज़्यादा मुझे लगता है कि मार्केट ओपन होने के बाद आप जो लगाइए ठीक रहेगा, क्योंकि सपोज़ मान लेते हैं कि सब कुछ देख के लगाइए, रिलैक्स होकर लगाइए, ज़्यादा हड़बड़ा कर मत लगाइए, मेरा मानना ये है। कंपनी के अंदर मैंने आपको ऐसे भी बोला था कि सर लगभग वीकनेस जो है बहुत कम है, इसमें बताया जा रहा हाई डेट, बहुत सारे लोगों को लगता है सर यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि कंपनी के पास हाई डेट है। मैं आपको बोलूँगा देखो कंपनी के पास हाई डेट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कंपनियों का ऐसा बिजनेस ही होता है सर डेट लेके काम करने वाला, कुछ कंपनियों का यही बिजनेस होता है डेट लेके काम करने वाला, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए डेट से ज़्यादा तो सर कंपनी का वैल्यूएशन हो चुका है 50,000 करोड़, डेट से ज़्यादा हो चुका है। बाकी जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, लोअर मोमेंटम, इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, पुअर कैश जनरेशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर पहले की थी, अभी भी जब कंपनी आई है तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करेगी, और गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से अच्छे अच्छे ऑर्डर आता हुआ नज़र आ जाएंगे, सोलर से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से, सारी चीज़ों में अगर रिलेटेड खबर आते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में फ्यूचर में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी ये स्टॉक कितने लोगों ने पहले ख़रीदा है आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया था, बाकी थोड़ा स्टडी कीजिए उसके बाद आप आगे बढ़िएगा।